calligraphy exhibition that we have organized here in our library. Welcome to all our staff. It is a virtual exhibition of calligraphy which we have displayed over here. Beautiful samples of calligraphy. चलते
16 सेंचुरी एडी का है। ये भी एक लंबे रोल पे कुरान लिखा हुआ है, पूरे लंबे रोल पे, जो स्क्रिप्ट है ये नस है। आइए अब ये शुरू होते हैं हाईली एल्यूमिनेटेड पेजेस एंड सैंपल्स ऑफ कैलीग्राफी फ्रॉम कुरान। हाईली एल्यूमिनेटेड जिसमें गोल्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसमें अरबिक में ओरिजिनल कुरान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद इंटरलाइनियर इसमें ट्रांसलेशन दिया गया है, पर्शियन में ट्रांसलेशन दे रहे हैं। ये सबसे बड़े साइज की हाईली एल्यूमिनेटेड कुरान है। ये 1185 AD में 1771 का तैयार किया गया, 1771 AD में इसकी कैलीग्राफी हुई है, और इस्मतुल्लाह खान इसके स्क्राइब है, इस्मतुल्लाह खान। ये भी एल्यूमिनेटेड कुरान है, हाईली एल्यूमिनेटेड कुरान, जो 18th century AD का है, और अब्दुल मजीद बिन मुल्ला जीवन इसके स्क्राइब हैं, मुल्ला जीवन स्क्राइब है इसके। किसी भी नुस्खा या मैनुस्क्रिप्ट की इम्पोर्टेंस या तो एज के हिसाब से होती है, या उसके स्क्राइब के हिसाब से होती है, या अगर वो ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट है तो इस हिसाब से होती है। ये चीजें हम लोगों को नजर में रखना पड़ती है। अब आए ये एक और खूबसूरत तरीन नमूना है आपके सामने, 18th century का है ये कुरान। इसमें भी पहले अरबिक में ओरिजिनल कुरान है, और फिर दरमियान में ट्रांसलेशन दिया जा रहा है, पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन भी है, और साथ साथ हाशिए पे इसकी तफसीर चल रही है। देखिए ये आर्ट का कैसा खूबसूरत नमूना है, इसमें किस कदर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, आप इसे गौर करें। इसके अंदर नस और नस्तालिक दोनों स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। नस तो मेन है, जो मेन कुरान लिखा हुआ है वो नस में है, और जो हाशिए पे है ये कमेंट्री इन नस्तालीफ में। ये भी हाईली एल्यूमिनेटेड कुरान है, 18th century का है। इसमें भी ट्रांसलेशन दरमियान में ट्रांसलेशन आ रहा है इसका, ओरिजिनल कुरान और उसके बाद दरमियान में ट्रांसलेशन चल रहा है। ये वसलियां है, इसमें अशआर और अक़वाल होते हैं, खूबसूरत नमूना होता है कैलीग्राफी का। 16th century की वसली है ये, और ख़त्ते नस्तालीफ में लिखी हुई है। मीर अली अल कातिब बहुत मशहूर स्क्राइब है, ये उनकी हैंडराइटिंग में, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मीर अली अल कातिब की हैंडराइटिंग है। ये वसली का एक पीस है, सद पंदे लुकमान से इसको नकल किया गया है, सद पंदे लुकमान से 949 हिजरी यानी 1542 AD का ये लिखा हुआ है। ये जो दो आप देख रहे हैं पर्शियन के पर्शियन लैंग्वेज में है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी इसके कातिब हैं। ये एक स्मॉल साइज कुरान है, पॉकेट साइज, बहुत छोटा सा।
और ये 18th सेंचुरी का है। कातिब इसके मोहम्मद आरिफ है, वो तो आपने दो फारसी से देखे, ये अरबी का आ गया। नस्रुल्लौली से ये खूबसूरत नमूना आप देख सकते हैं, 1695 की कैलीग्राफी है ये। नस और नस्तालिक दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। मोहम्मद मेहदी बिन मोहम्मद मुकीम इसके कातिब हैं। अब देखिए ये एक और खूबसूरत नुस्खा है, अल सहीफा अल कामिला 1694 एडी का है, और अब्दुल बाकी हद्दाद बहुत मशहूर कातिब रहे हैं। मीर अली अल कातिब की तरह इनका नाम भी अपने फन में बहुत माना हुआ है, अब्दुल बाकी हद्दाद। इसके अंदर नस्क है, अरबिक है और नस्क है। ये अरबिक का नुस्खा है, कुरान का और नस्क में जैनुलाबदीन इसके राइटर है, अल सहीफा अल कामिला। ये एक मशहूर तरीन नाम है, मैं आपको बताऊंगी। ये कुरान जो आप देख रहे हैं बहुत कीमती और बहुत प्रेशियस नुस्खा है, ये 1269 एडी का किताबत शुदा है ये, और आप लोग सुन के हैरान होंगे, ये याकूत अल मुस्तासिमी की हैंड राइटिंग देख सकते हैं। ये ऐसे ऐसे जवाहिर पारी अभी खुदाबख्श लाइब्रेरी में महफूज हैं, जो और दूसरी लाइब्रेरीज में कमियाब है, तो ये हम लोग नादिर नुस्खों में इसको शुमार करते हैं। याकूत अल मुस्तासिमी की हैंड राइटिंग देखी, लोग कहते हैं कि इनकी हैंड राइटिंग के जो पीसेस होते थे वो बड़े कीमती हुआ करते थे, और आज भी उनकी बेपनाह शोहरत है। ये नस और सुल्स में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट इसका नस है और सुल्स है। ये फिर हम लोग वसीयों पे आ गए, पर्शियन में लिखी हुई ये किताबत के कैलीग्राफिक खूबसूरत नमूने हैं। ये 17th सेंचुरी का है, नस्तालिक में, और अब्दुल रशीद दैलमी की हैंड राइटिंग में है। ये देखिए यहाँ पर इनकी अपनी ही राइटिंग में ये नाम भी लिख रहे हैं, अब्दुल रशीद दैलमी। इसको ऐसे फोकस करें तो यह नाम भी आए। नस्तालिक में है ये एक और मछली खूबसूरत सा आप देख सकते हैं, ये अब्दुल्ला मुश्की कलम इसके कातिब हैं, अब्दुल्ला मुश्की कलम 17th सेंचुरी का ये खूबसूरत नमूना है कैलीग्राफी का, अब्दुल्ला मुश्की कलम अल हुसैनी। आप इसको ऐसे लें कि इनका नाम भी आए इसमें। नस्तालिक में है ये, ये भी एक नस्तालिक के खूबसूरत नमूना देखिए, 1685 का है ये, अबुल मौली इसके कातिब है। ये पर्शियन के कैलीग्राफी के आप खूबसूरत नमूने देख रहे हैं। ये 1576 की खूबसूरत तहरीर है, 1576 की नस्तालिक में है, और मेहंदी कुली इसके कातिब है, मेहंदी कुली। तो आपने यहां देखा मेहंदी कुली को, आपने देखा अबुल मौली का हैंडराइटिंग, और आपने देखा अब्दुल्ला मुश्की कलम
और हुसैनी की हैंड राइटिंग को, और ये है अब्दुल रशीद दैलमी, अब्दुल रशीद दैलमी। ये वो फनकारी हैं जिनको देख के आंखें रोशन हो जाती हैं और जी चाहता है कि हम लोग भी कभी कोशिश करें और इस तरह की हैंडराइटिंग इख्तियार कर सकें। आज के दौर में तो लिखने का रिवाज ही खत्म होता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गया, तो अब हाथ से लिखने का रिवाज बहुत कम होता चला। लेकिन आज भी आप हैरान होंगे सुन के कि कैलीग्राफी को फरोग दिया जाता है, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है, इसके डिप्लोमा दिए जाते हैं, डिग्रीज दी जाती हैं, और गैर ममालिक में इसका काफी चलन है, उसे वेलकम किया जाता है, बाकायदा एक ये फन है। ये वसली जो आप देख रहे हैं ये 17वीं सेंचुरी की है और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी इसके स्क्राइब हैं। यहाँ पर इसमें राइटिंग इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, पर्शियन देख रहे हैं आप, ये नस्तालीह है, ये भी नस्तालीह है, 17वीं सेंचुरी का है, इमाम हुसैनी इसके कातिब हैं, नहीं इमाम हुसैनी, और ये 17वीं सेंचुरी का स्पेसिमेन है कैलीग्राफी का। इसमें ज्यादातर खूबसूरत अशार होते हैं और अकवाल होते हैं ताकि इसको पढ़ के इंसान कुछ वैल्यूज को समझ सके। ये वजूदुल आशिकीन से का एक सफा है, वजूदुल आशिकीन का, सेवनटीन सेंचुरी का है ये, एक किताबत 17वीं सेंचुरी की है। इस किताब के वजूदुल आशिकीन के राइटर है सैयद मोहम्मद गेसु दराज, फारसी में है ये, खत नस्तालीफ में, मौजिस कलम इसके स्क्राइब का नाम है, मौजिस कलम। ये 1777 की किताबत है, मीर मोहम्मद हुसैन अता खां इसके कातिब हैं। ये 18वीं सेंचुरी की किताबत है, हाफिज नूरुल्ला इसके कातिब हैं। ये 19वीं सेंचुरी की किताबत है और सैयद इनायत अहमद इसके कातिब हैं। किसी भी तस्वीर को आप देखें उसमें ये देखिए किस कदर सिमेट्री है और यूनिफॉर्मिटी कैसी है। आज जो कुछ छपाई में छपाई के जरिए मुमकिन हुआ है वो बरसों पहले ह्यूमन हैंड्स ने खुद किया था, मैनुअली किया जाता था, रेज रवा जरा भी कहीं पर डिफरेंस आप नहीं देखेंगे। नपाई तुलाई और यूनिफॉर्मिटी एवरीथिंग, ऐसा परफेक्शन है इन चीजों में, ऐसा परफेक्शन कहीं और नहीं मिलता। ये पर्शियन में है, आप देख रहे हैं पर्शियन में है ये वसली, सैयद इनायत अहमद इसके कातिब हुए। और अब ये देखिए बहुत खूबसूरत चीज है, इसका सन है 10th सेंचुरी का है और ये शिकस्त खत शिकस्त और कुछ दीवानी से करीब है। कातिब इसके इख्तियार मुंशी है। 10th सेंचुरी, इख्तियार मुंशी इसके कातिब हुए
सकते शिकस्त। तो उम्मीद है आज आप लोगों ने इस एग्जीबिशन को एंजॉय किया होगा। इरादा है कि आगे भी हम लोग इस तरह के एग्जीबिशंस लगाते रहेंगे ताकि लोग इससे फैजियाब होते रहें। ये पीसेज ऑफ आर्ट हैं जिसको देख के आंखों को दिलों को रोशन किया जा सके। लाइब्रेरी जिस चीज के लिए मशहूर है, मकतूबात के लिए, पेंटिंग्स और कैलीग्राफी के लिए, इन चीजों को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एग्जीबिशन के जरिए जो अहम चीजें हैं उनको डिस्प्ले में लगाएंगे, एग्जीबिशन में दिखाएंगे ताकि अपने अपने जगहों पर अपने घरों में बैठे लोग इसको इन्जॉय हॉल हो जाएगा। तो बाकायदा भी हम लोग एग्जीबिशन लगाएंगे और लोगों को इन्वाइट करेंगे ताकि वो खुद करीब से आके इन चीजों को देखें, नजर भर के देखें और इन्जॉय कर सकें। शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने इसको देखने का वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।